कहते इतना 10 ईयर्स हो रहे हैं आईबीडब्ल्यू पे, और उन्होंने कहा कि 10x बिगर होने वाला है। भाई सच में बना है 10x बिगर होने वाला इवेंट, बहुत ही बढ़िया बना रखा है, बहुत ही बड़ी बड़ी स्टेज बनाए अपने स्कूटर पे। हेलो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्नागिरी। तो भाई फाइनली दिन आ चुका है यहाँ से निकलने का, और यहाँ से जाएंगे सीधा आईबीडब्ल्यू गोवा, जो कि अभी 20 किलोमीटर जो है ना यहाँ से है वैगाटोर, तो वहाँ पे जाएंगे। और फाइनली अपनी स्कूटर जो है ना पूरी रेडी हो चुकी है, तो चलते चलते कुछ बातें करेंगे ना। अभी भी जो है ना मेरा इस गोप्रो का जो ना स्पीकर जो है ना माइक जो ना सही से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं, देखते हैं। कुछ गाड़ी जो ना स्लो करके बात करेंगे, शायद तब रिकॉर्ड हो जाएगा बढ़िया। और अभी जो ना टाइम हो रहा है 7:30, और ऑलमोस्ट जो ना 3 बजे से पहले जो ना मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं रुकते रुकते जाता, अगर मैं कंटिन्यूस चलाऊंगा ना, तो 12 बजे तक जो ना मैं पहुंच जाऊंगा गोवा। तो रुकते रुकते हुए चलेंगे आराम से, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। आज बहुत सारे दिनों के बाद जो है ना अपनी राइड एक टाइम पे स्टार्ट हुई है, और मैं जितने भी टाइम यहाँ पे कोशिश करता था ना कि अर्ली मॉर्निंग में राइड स्टार्ट करूँ, लेकिन वो हो ही जाते थे ना 10 या 11 बजे। तो आज यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, गर्म है। अभी भी जो मैं पहना ना जैकेट पहन के, बस गर्मी लग रही है। अगर चलते जाऊँगा तो अच्छा लगेगा, अगर मैं रुकूँगा तो फिर ज़्यादा गर्मी लगेगी मुझे। ओहो भाई रूट तो पता नहीं है, एक बार मैप लगा लेंगे ना रुक के, और टैंक भी फिल कर लेते एक बार पेट्रोल पंप में। स्कूटर के पेट्रोल टैंक में कितना फ्यूल है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने गाड़ी यहाँ पे बहुत चलाई थी। तो यहाँ पे जो ना साथ में एक पेट्रोल पंप है, तो पहले स्कूटर का ये जो ना कैन फिल कर देते हैं, और उतने पेट्रोल में ना मैं आराम से गोवा पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो भाई किलोमीटर दिखा रहा है 218, मैंने अभी 2 किलोमीटर के करीब राइड किया है, तो 220 दिखा रहा था घर से। फ्यूल भी मैंने डाल दिया कैन के अंदर, तो कि मैं इतना फ्यूल में जो ना गोवा में पहुंच जाऊंगा इजीली, लेकिन वहां पे अंदर घूमने के लिए ना मुझे फ्यूल डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही कैन यहाँ पर फ्यूल किया है। गोवा में जो ना प्राइस भी पेट्रोल का कम है थोड़ा भाई, जब राइड करते हो ना एक एक पैसा जो ना आपको मैटर्स करता है। अगर जहाँ पे पैसा बच जाता है ना, वहां पे बचाने की कोशिश करते हैं पैसे को, ताकि हम लंबा राइड कर पाए। इस रूट से जो है ना मैं पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं गोवा से रत्नागिरी जा रहा था ना, तब भी मैं इसी रूट से गया हुआ था। और इसमें भी यहाँ पे आम के झाड़ देखोगे ना, उसमें क्या बोलते हैं, जो आम निकलने से पहले उसके ऊपर फूल निकलते हैं ना, वो आ चुके हैं यहाँ पे आम के पेड़ों के ऊपर बहुत ही जल्दी। आम का सीजन भी अभी शुरू हो जाएगा। तो भाई ये रहा अपना पहला स्टॉप, अभी जो ना मैं राजापुर, जो कि 170 किलोमीटर के बाद जो ना मैंने पहला स्टॉप यहाँ पे ले लिया। तो यहीं पे जो ना मैंने वड़ा पाव खाया, और अपने टैंक का जो ना कैन का फ्यूल जो ना टैंक में फुल कर दिया। तो अभी यहाँ से जो ना गोवा आराम से पहुँच जाएंगे अपने टैंक में, तो एक्स्ट्रा फ्यूल कहीं पर कैरी कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर भी काम आ सकते हैं। और स्कूटर देखो ना भाई, और टाइम क्या हो रहा है अभी 9:22, तो शायद जो है ना मैं 2 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा इजीली गोवा इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है ना, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। भाई रोड इतना स्ट्रेट है ना, मक्खन जैसा रोड है, लेकिन चलाते चलाते जो है ना नींद आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी स्कूटर रोका है। तो थोड़ी देर बैठते हैं और फिर जो है ना यहाँ से चलते हैं। अभी कुछ 98 किलोमीटर रहेगा यहाँ से गोवा समथिंग। तो भाई फाइनली एंटर कर चुके हैं गोवा। तो भाई यहाँ पे हम डालते हैं पेट्रोल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।
भाई यहाँ पे मैं रुका था पेट्रोल डालने के लिए, मैंने पेट्रोल डाल दिया और यहाँ पे प्राइस जो है ना थोड़ा कम है, 98 रुपीज़ है। अगर वही मैं महाराष्ट्र में डालता ना तो मुझे 107 रुपये का मिलता एक लीटर, और यहाँ पे 98 पे मिल रहा है एक लीटर। चलो भाई कुछ पैसे बच जाते हैं एक लीटर पे। बहुत सारे राइडर्स जो है ना निकले हैं IBW के लिए, तो बहुत सारे राइडर्स से भी मिलना हो रहा है बीच बीच में। तो पेट्रोल पंप में मैं वहाँ पे अभी 3 राइडर से मिला, तो एक डाल रहे थे पेट्रोल और दो पाइप मेरे से पहले ही वहाँ पे रुके हुए थे पेट्रोल डालने के लिए। और इससे पीछे भी जब मैं आ रहा था वहाँ पे भी 2 राइडर से मिला, और फिर बीच में भी 1 राइडर से वहाँ पे मिला, और बहुत सारे राइडर्स को देखा मैंने जो आगे से मेरे चले गए, और कुछ राइडर से ही बात हुई मेरी। तो भाई कोई ऐसा राइडर्स रुक के जो बात करता ना तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। भाई उतनी गर्मी तो अभी यहाँ पे फील नहीं हो रही है मुझे, लेकिन अभी से बस 9 किलोमीटर है लोकेशन जहाँ पे मुझे जाना है। हाईवे पे जो ना मैंने थोड़ा स्पीड था ना तो उतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी, यहाँ पे जैसे ही आधे ट्रैफिक मिली ना तो भाई गर्मी फील होने शुरू हो गई। आवाज़ कितना अच्छा आ रहा है पता नहीं वॉइस GoPro का, क्योंकि माइक ख़राब होने की वजह से जो है ना बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं रूम, और अभी जो है ना फटाफट से एक बार फ्रेश हो जाते और नमाज़ पढ़ के जो है ना उसके बाद चले जाएंगे नीचे आराम से। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो मेरा फेस की हालत क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो शाम होने के बाद भी जो है ना नीचे चले जाएंगे, तब तक जो है ना रूम में थोड़ा रेस्ट ले लेते, तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद आपको। तो भाई अभी जा रहे हैं बाहर, और भाई इतने सुपर बाइक्स आए हुए ना भाई, नीचे जाती ना इतने आवाज़ आती है बाइक के ना भाई, बहुत ही बढ़िया लगता है जब बड़े बाइक्स जाते हैं ना तो उसके एग्जॉस्ट साउंड सुनिए ना बहुत ही अच्छा लगता है। बस अभी नीचे जा रहे बहुत सारे यहाँ पे व्लॉगर्स आए हुए, इन्फ्लुएंसर आए हुए ना, फॉरेनर्स आए हुए, मिलके ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, कुछ लोगों से मिलाएंगे ना ज़रूर। तो चलिए, तो भाई यहाँ पर आप देखोगे ना हर तरह की बाइक आपको मिलेगी। ये 1250 और उस तरफ है हायाबुसा V-Storm 650, और यहाँ पे देखो ना हर तरह के भाई बड़े बड़े बाइक्स है यहाँ पे। ओहो भाई ये एक मैंगो ट्री जो ना यहाँ का स्पॉट से जितने भी IBW के लिए यहाँ पे आते हैं ना सब यहाँ पे आते हैं, और भाई इनका रिएक्शन देखना अपने स्कूटर पे। ये है IBW ग्राउंड जहाँ पे होने वाला इवेंट। तो राइट नाउ मैं आ रहा हूँ मोटो जूमर यासिर भाई के साथ। व्लॉगिंग क्या? हाँ जी भाई यार, आप भी कुछ बोलो। अरे मैं क्या बोलूँ, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा भाई नवीद भाई से मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया। तो भाई ये है फ्लैट ट्रैक जो कि यहाँ पे होने वाला है कल। तो भाई अभी जो ना टाइम हो रहा है रात के जो ना 12:30 बजे, और मैं अभी आया हूँ रूम। तो भाई बहुत ही बढ़िया स्टेज बना रखा है ना, बहुत ही क्रेजी है भाई। इस बार जो ना कहते थे ना 10 ईयर्स हो रहे हैं IBW पे, और उन्होंने कहा कि 10x बिगर होने वाला है। भाई सच में बना है 10x बिगर होने वाला है इवेंट, बहुत ही बढ़िया बना रखा है, बहुत ही बड़ी बड़ी स्टेज बनाए। तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है कल। तो भाई बहुत सारे राइडर से मिले और बहुत ही अच्छा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। तो मिलते दोस्तों किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर।